हर साल 26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में अलग होने वाला है। देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की ताकत का नमूना तो दिखाई देगा ही, साथ ही LC पर चीन से चल रही तनातनी के दौरान जिन हथियारों, टैंक और मिसाइलों को तैनात किया गया, जिसकी तस्वीर फुल ड्रेस परेड रिहर्सल में दिखी है। राजपथ पर भारत की शक्ति का प्रदर्शन है, जो देश दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि एशिया की महाशक्ति में अगर कोई नाम है तो वो है हिंदुस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने वाली समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, T-90 टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल ICV सारस भारत की आन बान शान किसी से कम नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी LC पर तैनात किया गया है। ये मिसाइल भी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में नजर आ रही है। बता दें कि इस मिसाइल को रूस की मदद से बनाया गया है। ये मिसाइल भारतीय सेना के तोपखाने का हिस्सा है, जिसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, यानी हर जगह इज्जत और बुलंदी। 400 किलोमीटर तक बिना दुश्मन की रडार में आए ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने के लिए जानी जाती है। राजपथ पर ब्रह्मोस मिसाइल की अगुवाई कैप्टन मोहम्मद क्यू जमन करेंगे। मैं कैप्टन कमरुल जमान सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं इंडियन आर्टिलरी की ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पार्टी परेड। ये जो सिस्टम है ब्रह्मोस, हालांकि इसके बारे में अगर देखा जाए तो आम आदमी भी बहुत कुछ जानता है, जितना ये चर्चा में रही है ये मिसाइल सिस्टम, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खासियत है, कितना इम्पोर्टेंट है ये इंडियन आर्मी के लिए, इस बारे में बताएं। जैसा आपने खुद ही बता दिया कि हर भारतीय को पता है इस वेपन के बारे में, ये खुद ही इसकी महत्वता को बताती है कि ये कितना महत्व वेपन है। और जब हम बात करते हैं इसके अलग स्पेसिफिकेशन की, तो ये 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 11 विक्टोरिया क्रॉस अमंगस्ट मेनी अदर्स एडिंग टू द ग्लोरी ऑफ बंगाल इंजीनियर ग्रुप। मोटो ऑफ द बंगाल इंजीनियर ग्रुप, एकता सेवा इलम वीरता शूरवीरता। Now approaching the saluting dais is combined band of 6th Light Infantry Regimental Center, Ladakh South Regimental Center and Artillery Center. डोकलम में ऑपरेशन जूनिपर हो या फिर हाल में पूर्वी लद्दाख में चीन से चल रही तनातनी के दौरान ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, इन सब के दौरान समविजय इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को जरूर तैनात किया गया। दरअसल ये सिस्टम दुश्मन के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट तो करता ही है, उसे जाम भी कर सकता है, ताकि दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निष्क्रिय किया जा सके। समविजय थल सेना की कोर ऑफ सिग्नल का एक महत्वपूर्ण हथियार है।
सिग्नल कोर के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन का नेतृत्व कैप्टन शुभम शर्मा करेंगे। सेना में कैप्टन शुभम को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक्सपर्ट माना जाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कॉल्ड संबिजे, इट इज इंडिजिनियसली इंटीग्रेटेड एंड इट इज वन ऑफ अ काइंड इक्विपमेंट विच वी आर होल्डिंग इन द इंडियन आर्मी। द इक्विपमेंट हैज द कैपेबिलिटी टू सर्च, इंटरसेप्ट, डायरेक्शन फाइंड, लोकेट, एनालाइज एंड जैम एनिमी टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिग्नल्स इन द हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस। बेसिकली द मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ वॉरफेयर डिक्टेट दैट इट बी अ नेटवर्क सेंट्रिक वॉर एंड द कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सच ए वॉरफेयर इज बेस्ड प्योरली ऑन कम्युनिकेशन। सो द सिस्टम हैज द कैपेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन द एंटायर कम्युनिकेशन ग्रिड ऑफ द एनिमी, देयर बाय रेंडरिंग हिज fighting force useless since they don't have any directions to go to. And the equipment has taken keen participation and contribution in Operation Juniper, Operation Rakshak, Operation Zafran, and currently in Operation Snow Leopard. आज हिंद भी जान रहा है, उठ खड़ा जब जब महान, उठ खड़ा सैनिक महान, रोजिंग द सल्यूट इन देयर द महान रेजिमेंट कंटिंजेंट लेड बाय लेफ्टिनेंट सुभाष बोस ऑफ द 3rd बटालियन द महान रेजिमेंट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। यहां इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है, यहां आम नहीं बबूल उगता है, यहां खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है, चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है, प्यास बदले की प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है बीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ बीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। इस बार परेड में थल सेना की एंटी एयरक्राफ्ट गन अपग्रेडेड सिल्का गन भी दिखाई देगी, जिसकी झलक फुल ड्रेस परेड रिहर्सल में नजर आ चुकी है। इसकी कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन प्रीति चौधरी हैं। एनसीसी की एयर विंग कैडेट रह चुकी कैप्टन प्रीति अपने पिता को सेना में आने के लिए रोल मॉडल मानती हैं। उनके पिता कैप्टन इंदर सिंह सेना की मेडिकल कोर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्ष 2014 में रिटायर हुए थे। कैप्टन प्रीति राजपथ की परेड में हिस्सा बनाने का मौका मिलने पर खुद को बेहद सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। ऑल वेदर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम राजपथ पे रोल डाउन करने वाला है, और ये अपग्रेड किया गया है बेल के द्वारा। इसमें अपग्रेडेशन है, इसका जो रडार है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर रडार है। इसका जो मेन डीजल इंजन है उसको चेंज किया गया है, इसका ऑक्सिलरी पावर यूनिट को चेंज किया गया है। इसकी क्षमता है कि 2.5 किलोमीटर तक के एरियल एनिमी टारगेट्स को शूट डाउन कर सकता है ट्रैक करने के बाद, और ग्राउंड टारगेट्स के लिए 2 किलोमीटर तक के ग्राउंड टारगेट्स को भी ट्रैक और शूट डाउन कर सकता है। जी जिस प्रकार से मैंने बताया ऑल वेदर वेपन सिस्टम है जो दिन और रात में इक्वली कॉम्पिटेंट है।
होगी और इसमें क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ है, जो जो आपने कहा कि अपग्रेडेड हुए क्या क्या अपग्रेड किया गया है? इसमें मेजर अपग्रेडेशन है, इसका जो रडार है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट फेज रडार है, इसके अलावा इसका जो मेन डीजल इंजन है वो नया है, और इसका जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, तो बेसिकली ओवरऑल इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध के मैदान से टैंक की भूमिका को नकारने जा रही थी, उसी वक्त पूर्वी लद्दाख में जब चीन से टकराव शुरू हुआ तो भारतीय सेना ने ड्रैगन को रोकने के लिए LAC पर T-90 टैंक को तैनात किया। मिसाइलों से लैस T-90 टैंक के लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात होने से चीनी सेना के पांव जहां थे वहीं जम गए। गणतंत्र दिवस परेड पर T-90 टैंक का नेतृत्व कैप्टन करणवीर सिंह करेंगे। हम थर्ड जनरेशन टैंक T-90 एंड इन इंडिया वी कॉल इट द टैंक भीष्मा एंड इट हैज वेरियस कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द 125mm स्मूथ बोर गन which also has the capability to fire a guided missile and being the first and the only tank in India to do that. It has a range of 5000 meter and can lock on to any target and destroy the same. For aerial targets, we have 12.7mm NSVT gun. It has the capability to shoot down any attack helicopter, transport or any drones. And not only on the land, but tank has the capability to go 5 meters underwater and cross the any river or canal obstacle also. So it is most important tank, and is it made in India or made in Russia? It was earlier made in Russia, but now we have the capability. We are a growing nation, make in India. आधुनिक युद्ध कला में सेनाओं से धीरे धीरे इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों की जगह मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ले रही है। मैक इन्फेंट्री में सैनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल ICV में सवार होते हैं और बेहद तेजी से युद्ध के मैदान में बख्तर बंद गाड़ी में मूव कर सकते हैं। बड़ी गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM से लैस ये ICV दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला कर सकती है। भारतीय सेना की ICV जिसे सारथ के नाम से जाना जाता है, इसे ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB ने तैयार किया है। रेगिस्तान हो या फिर पहाड़, फिर नदी नाले, सभी जगह को ये सारथ 2 आसानी से पार कर सकता है। LAC पर चीन से चल रही तनातनी के दौरान कैलाश हिल्स रेंज पर टैंकों के साथ इन सारथ व्हीकल्स को तैनात किया गया है। एक ICB में 6 से 8 जवान सवार हो सकते हैं। इनका नाम है ICV BMP-2 सारथ, जिसको सारथ नाम से जाना जाता है। ये इक्विपमेंट बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है और इसकी फुली ट्रैक एम्फीबियस कैपेबिलिटी वाला और एक हेलीकॉप्टर से भी ड्रॉप किया जा सकता है इसके लाइट वेट की वजह से। इस इक्विपमेंट की काबिलियत ये है कि ये दिन और रात के समय दुश्मन को 4 किलोमीटर की रेंज तक
कारगर तरीके से एंगेज कर सकता है और उसको बर्बाद भी कर सकता है। अगर इसकी कैपेबिलिटी की और बात किया जाए तो दुश्मन को बर्बाद करने के लिए इसके पास में 30mm रैपिड फायर कैनन है, 7.62mm PPT मशीन गन है और एक ATGM जिसको हम जानते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉम्पोस मिसाइल भी है जो दुश्मन को 4 किलोमीटर तक एंगेज और बर्बाद कर सकते हैं। अगर इसकी ऑपरेशनल चीज़ें देखें तो आपने रिसेंटली भी जैसे देखा होगा कि ये गलवान ऑपरेशन या कहीं पर भी ये आपको हिल्स में भी ऑपरेट कर सकता है, जंगल में भी आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है और प्लेन्स और डेजर्ट टेरेन में ऑपरेशन करने के लिए टैंक्स और BMP एक साथ कारगर काम करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं। कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप जरूर लगते हैं कि धांधली हो रही है, इतने लोगों को रोजगार देते हैं लेकिन आपके पुलिस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है, आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं, किराए की बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चला रहे हैं, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में और जो स्ट्रेंथ है पोस्ट की वो भी आधी है। अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑफिसर्स इतने उनको टाइट भी किया हुआ है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेड बाय कैप्टन ऋषभ सिंह सांबिया, द मोटो ऑफ द रेजिमेंट इज संगठन महावीरता, विद वॉर क्राई जाट बलवान जय भगवान। द रेजिमेंट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द ईयर 1795 इन देयर ग्लोरियस। संयुक्त मिलिट्री बैंड के बाद मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता 50 रेजिमेंट प्रादेशिक सेना का, इसमें टेरिटोरियल आर्मी की 3 बटालियन 110 बटा। युद्ध के मैदान में सैनिकों से पहले इंजीनियर कोर का काम शुरू हो जाता है। पैदल सैनिक हो या फिर ICV या टैंकों के मूवमेंट के लिए नदी नालों पर ब्रिज तैयार करना बेहद जरूरी होता है। भारतीय सेना का T-72 ब्रिज लेइंग टैंक महज 3 से 4 मिनट में पुल तैयार कर सकता है। गणतंत्र दिवस परेड में इस ब्रिज लेइंग टैंक का नेतृत्व कैप्टन सचित शर्मा और कैप्टन अमित गावर कर रहे हैं। कैप्टन सचित शर्मा के पिता और दादा दोनों ही ब्यूरोक्रेट हैं। इसके बावजूद उन्होंने देश की सुरक्षा के जुनून के चलते सेना में सेवाएं देना चुना। We play a crucial role now, man-portable ATGM missiles and stand.
एक पिना का सिस्टम महज 3 से 4 सेकंड में ही 12 रॉकेट को एक साथ दाग सकता है। इसके चलते दुश्मन के इलाके को चंद सेकंड में ही तबाह किया जा सकता है, साथ ही दुश्मन पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जा सकता है। पिनाका को कैप्टन विभोर गुलाटी कमांड करेंगे। थल सेना के मार्चिंग दस्ते में जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, महार रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर राइफल्स, इंजीनियर्स कोर और मद्रास रेजिमेंट की टेरिटोरियल आर्मी की टुकड़ियां दिखाई पड़ेंगी, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर देश के सबसे सुदूर अंडमान निकोबार में तैनात मद्रास रेजिमेंट की टीम बटालियन इस बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रही है। इतना ही नहीं, कई राज्यों की झांकी इस बार की गणतंत्र दिवस परेड की समारोह की शोभा बढ़ाने वाली है, जिसमें यूपी की झांकी राम मंदिर के मॉडल पर बनाई गई है, जो खास रहने वाली है। Smart salute by the parade commander to the supreme commander of the armed forces. कुर्बान किए जाते हैं मिट्टी पर जो अपने अभिमान किए जाते हैं, चीर के देखो हर एक सीने में एक ही रंग है। मार्चिंग दस्ते में तैनात कमांडर्स का मानना है कि ये परेड न केवल देशवासियों में सेना और सैनिकों के प्रति भरोसा जताती है कि देश की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, बल्कि दुश्मनों के लिए भी संदेश है कि अगर भारत से टकराने की हिमाकत की तो उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और अब अगला दस्ता
अति महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में अपने पराक्रम शौर्य और वीरता का लोहा मनवाया है। महिला शक्ति फिर से मुखर हुई है, देशों का शौर्य गूंजा।